एक ऐसा फेसबुक लाइव वीडियो जिसके चलते चली गई 3 लोगों की सरकारी नौकरी। चलती ट्रेन में एक शख्स ने कर दिया फेसबुक लाइव और खतरे में आ गई 800 लोगों की जान। जब विभाग के अधिकारियों ने देखा ये फेसबुक लाइव तो खिसक गई उनके पांव के नीचे से जमीन। आखिर ऐसा क्या था उस फेसबुक लाइव वीडियो में जिसने रेलवे विभाग में मचा दिया हड़कंप, देखिए इस खबर में। लोको पायलट को रिश्तेदार का मदद करना भारी पड़ा। 800 लोगों के जान के साथ खेलकर लोको पायलट ने निभाया रिश्ता। बदले में रिश्तेदार की तरफ से मिला फेसबुक लाइव, जिस फेसबुक लाइव ने एक नहीं 3 लोको पायलट को सस्पेंड करा दिया। देखिए इस फेसबुक लाइव को, फिर बताते हैं आखिर ऐसा क्या है इस फेसबुक लाइव में जिससे 3 लोको पायलट को सस्पेंड होना पड़ा। फेसबुक लाइव में दिख रहा यह शख्स ट्रेन पर है। जिस ट्रेन से वो सवारी कर रहा है वो ट्रेन है आश्रम एक्सप्रेस। आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन अहमदाबाद से दिल्ली जा रही थी। इसी बीच लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। जिस ट्रेन पर 3 लोको पायलट थे उस ट्रेन में 800 से अधिक यात्री थे, लेकिन लोगों के जीवन को ताक पर रखकर एक लोको पायलट ने रिश्ता निभाया। आश्रम एक्सप्रेस के चीफ लोको इंस्पेक्टर संतोष ने अपने रिश्तेदार सुखराम को लोको केबिन यानी इंजन में बिठा दिया, क्योंकि उसका टिकट कंफर्म नहीं था। ट्रेन स्पीड गति से चल रही थी, 800 लोग गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। इधर सुखराम ने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया जिसमें वो ट्रेन चलाने का दावा करने लगा। वीडियो में वो ट्रेन चलाने वाले उपकरणों से भी छेड़छाड़ करता दिख रहा है। फेसबुक के माध्यम से ही इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को लगी जिससे हड़कंप मच गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए जयपुर मंडल रेलवे के चीफ लोको इंस्पेक्टर संतोष, लोको पायलट प्रदीप मीना और असिस्टेंट लोको पायलट मनीष को सस्पेंड कर दिया, जबकि सुखराम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला सोमवार शाम बांदीकुई जंक्शन का है। वहीं रेलवे प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। हालांकि सुखराम रियर लोको बैठा था, रियर लोको से परिचालन संबंधित कंट्रोल नहीं होता है, उस सेक्शन को इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर रियर लोको में मौजूद इमरजेंसी का प्रयोग सुखराम कर देता तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। इससे 800 से अधिक लोगों की जान पर खतरा होता। इस तरह से किसी को भी यात्रा कराना गलत है। ये यात्रियों की सुरक्षा के साथ बेईमानी है जिसे लेकर रेलवे प्रशासन को सख्त होना चाहिए। फेसबुक लाइव की वजह से ये मामला सामने आ गया। ना जाने कितने ऐसे रिश्तेदार को रोज मदद के नाम पर इंजन में बिठा लिया जाता होगा। अब आपकी मोहल्ले वाली दुकान बन सकती है मोहल्ले वाली बैंक। इजी कैश पॉइंट आपको कम खर्च में CSP खोलने का मौका देता है, जिसके जरिए आधार कार्ड द्वारा किसी भी बैंक से पैसे निकालने, जमा करने और मोबाइल, DTH और इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करके आसानी से 15,000 से 20,000 तक का कमीशन कमा सकते हैं। तो CSP ID के लिए आज ही कॉल करें 7726006565 पर और बनिए मोहल्ले का मिनी बैंक। जब कहीं न बने काम तो हमसे ही ले समाधान। लाखों दुखों की एक दवा, बस फकीर की एक दुआ। हर समस्या का समाधान 100% गारंटी के साथ। सभी जगह से निराश माताएं बहनें जरूर फोन करें, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, लव मैरिज, नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, किया कराया, जादू टोना, खिलाया पिलाया, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में अनबन, सास बहू के झगड़े, संतान प्राप्ति, पशु फसल में नुकसान, जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी के झगड़े, बीमारी में दवा का ना लगना, पितृ दोष, शादी ब्याह में रुकावट, शराब छुड़ाना। अगर किसी का पति, बेटा, प्रेमी किसी के वश में हो तो एक बार फोन करें बाबा खान जी को 9878669918। घर बैठे फोन पर 100% गारंटीड समाधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, मुठकरण करवाएं या तुड़वाएं।